हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिहार की एक फेमस डिश चंपारण चिकन, जिसे अहुना चिकन भी बोला जाता है। इस पारंपरिक डिश को आप कैसे बहुत ही इजीली गैस पे बना सकते हैं, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में 7 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे और इसे अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हम सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका असली पारंपरिक स्वाद सरसों तेल से ही आता है। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसे रूम टेम्परेचर तक होने तक ठंडा कर लेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेते हैं और इसमें 4 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट के दे देते हैं। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई टमाटर लेते हैं। साबुत गर्म मसालों में हम इसमें 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, 6 से 7 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग डालते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डालते हैं। पाउडर मसालों में हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या जितना आपको तीखा पसंद है उतना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 साबुत लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च डालते हैं। इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें 1/2 केजी चिकन डालते हैं। इसमें पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल डालेंगे और थोड़ा सा तेल बचा लेते हैं, जिससे हम मिट्टी के घड़े को बाद में ग्रीस करेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लेने के बाद हम इसे कम से कम 1 घंटा रेस्ट करने देते हैं, इसके बाद इसे पकाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं और जो तेल हमने बचा लिया था उससे इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद इसमें सबसे पहले 4 से 5 तेज पत्ता डालते हैं, फिर इसके बाद मैरिनेट चिकन को डालते हैं। चिकन को घड़े में डालने के बाद इसे अच्छे से फैला लेते हैं। अब इसके मुंह को आटे से सील कर देते हैं। घड़े के मुंह को ढक्कन से अच्छे से बंद कर लेते हैं। अब गैस ऑन करके हम इसके ऊपर घड़े को रखते हैं और स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पका लेते हैं। फिर इसके बाद आंच को एकदम लो करके 40 से 45 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे कितना समय लगेगा पकने में, यह आपके चिकन पर डिपेंड करता है। अगर आपने चिकन के पीसेस बड़े लिए हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और छोटे पीसेस है तो ये 40 से 45 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। चिकन को पकाते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अभी इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। इसे इसी तरह 10 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल लेते हैं। ढक्कन खोलेंगे तो सभी प्याज टमाटर जो हमने इसमें डाला है वो खड़े खड़े ही नज़र आएंगे, पर जब हम इसे 1-2 बार चम्मच की मदद से चला लेंगे तो ये पूरी तरह से ग्रेवी में मैश हो जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए गैस ऑन कर लेते हैं और ग्रेवी को अच्छे से चला लेते हैं हल्के हाथों से, क्योंकि अभी चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और वो टूट सकते हैं। अब इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डालते हैं। धनिया पत्ती डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घड़े से 1 चिकन पीस को निकाल के उसे चेक करते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है।
चंपारण चिकन या उना चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। चंपारण चिकन या अहुना चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।